मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों के साथ आचार संहिता का ऐलान होने के बाद सीहोर जिला के निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी कार्यक्रम और आदर्श आचार संहिता पर चर्चा की। मध्य प्रदेश में आचार संहिता के ऐलान के बाद से प्रदेश के सभी जिलों में युद्ध स्तर पर आचार संहिता के तहत कार्रवाई शुरू हो गई। इसी कड़ी में सीहोर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े ने मीडिया को चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जारी कार्यक्रम की जानकारी दी। साथ ही आचार संहिता के तहत उचित कार्रवाई के संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए। उल्लंघन हो रहा है तो वो भी आप लोगों से जो फीडबैक मिलते रहेंगे तो उससे बहुत मदद मिलेगी इस कार्य में। इसके अलावा इलेक्ट्रोल के अलावा जो और कार्रवाइयाँ होनी थी, जैसे संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत जो कार्रवाइयाँ होनी थी वो कार्रवाई की गई है। अब गौरतलब है कि आचार संहिता लगने के बाद प्रदेश में निर्वाचन आयोग का प्रभाव बढ़ गया है और सभी प्रशासनिक अधिकारी चुनाव आयोग के प्रभाव में ही कार्य करेंगे। कुल मिलाकर चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, सियासी सरगर्मी तेजी से बढ़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, सीहोर।